जय माधव कुञ्जा बिहारी गोपीजन जना वल्लभगिरिवा राधारी जय राधा माधव कुञ्जा बिहारी गोपीजन जना वल्लभगिरिवा राधारी यशोदनन्दना ब्रजजनरञ्जना यशोदनन्दना ब्रजजनरञ्जना जुनाति रावणा चरि जुनाति रावना चरि जय राधा माधव कुञ्जविहारी गोपीजन वल्लभागिरि धारी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा दमोदर राधा दमोदर राय राधा दामोदर राधा दमोदररा जय जगन्नाथ जय बलदेवा बलदेवा जय सुभद्रा जय सीता लक्ष्मण हनुमा सीतारां लक्ष्मण हनुमा नितय गौर हरिव हरिवो हरिवो हरिव जय जय प्रभु पार प्रभु जय श्री राधा दामोदर भगवान की जगन्नाथ बलदेश्वर महाराणि की लक्ष्मण हनुमान की श्रील की जय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपाकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमो पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रि हे कृष्णा करुणा सिन्धु जगत्पते, गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दा श्री अद्वैता अद्वैतागदाधरा श्रीवासादिगौरभक्तवृन्दा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवानी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे ॐमज्ञानातिमिरान्धस्या ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मील तस्म श्री गुरुवे नमः अपने अपने गुरुदेव की घी जाय की हरे कृष्णा सबसे पहले तो इस कौन ब्रह्मपुर के सा सभी भक्तों को मेरा प्रणाम वांछा कल्पतरूभ कृपा सिंधु वतिता पावने भ्यो वैष्णवी भ्यो नमो नम अनंत कोठी वैष्णव की जाए शिल प्रभुपात की जाए गुरु परंपरा की जाए अपने अपने गुरुदेव की जाए तो मुझे कहा गया था कि आज गीता के बारे में कुछ चर्चा करेंगे तो हाँ गीता के बारे में चर्चा करना बनता है क्योंकि गीता जयंती का महीना है कुछ दिनों में 25 तारीख को मेरे ख्याल से गीता जयंती का महामहोत्सव होगा इनफैक्ट इस कौन भक्तों के लिए तो दिसंबर एक तारीख से ही गीता महामहोत्सव गीता जयंती का शुरू हो गया है ये पूरा महीना ही जो है भक्त लोग गीता का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देते हैं डोर टू डोर अफकोर्स इस साल ये करोना के चलते काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस है फिर भी भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ है हम देख रहे हैं पिक्चर्स में और सब जगह जैसे हो सके वैसे जो है जितना हो सके गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करने की प्रयास में भक्त लोग लगे हुए हैं तो शास्त्र में कहा गया है कि जब भगवान अवतरित होते हैं जब भगवान ये निश्चय करते हैं कि वे जल के रूप में अवतार लेंगे तो वे गंगा या जमुना जी के रूप में अवतार लेते हैं जब वे पत्थर के रूप में अवतार लेना चाहते हैं तो वे श्री विग्रह के रूप में अवतार लेते हैं जब वे भूमि के रूप में अवतार लेते हैं तो वृंदावन धाम से वे जो है अवतार लेते हैं वृंदावन धाम के रूप में अवतार लेते हैं जब वे किसी व्यक्ति के रूप में अवतरित होना चाहते हैं तो वे श्री गुरु के रूप में अवतार लेते हैं वे जब समय के रूप में अवतार लेते हैं तो माधव तिथि एकादशी तिथि के रूप में अवतार लेते हैं और जब वे शब्द के रूप से प्रकट होना चाहते हैं तो महामंत्र भगवान का जो नाम है उस रूप से जो है वे अवतार लेते हैं जब लकड़ी के रूप में अवतार लेना चाहते हैं तो श्री जगन्नाथ जी के रूप में आते हैं और उसी तरह से जब ठाकुर जी पुस्तक के रूप में अवतार लेते हैं तो वे श्रीमद् श्रीमद गीता और भागवतम के रूप में अवतार लेते हैं तो ये जो भगवद गीता की हम आज चर्चा करने वाले हैं वे गीता भगवान से भिन्न नहीं है भगवद गीता ही ठाकुर जी का रूप है आप आ, हम जानते हैं शास्त्र में ये श्लोक आता है नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न नाम नामिनी भगवान के नाम में रूप में लीला में कोई अंतर नहीं है हम हमारी जो इंद्रिया है वे हर एक इंद्रिया का एक विशेष कार्य होता है हम खाते हैं मुँह है से देखते हैं आँख से सुगंध लेते हैं नाक से लेकिन ठाकुर जी के नाम में रूप में लीला में उनके वचनों में कोई भिन्नता नहीं है तो ये जो पुस्तक ये जो भगवत गीता है ठाकुर जी साक्षात है इसमें कोई भिन्नता नहीं है ऐसा नहीं है कि ओके भगवान के द्वारा बोला गया है इसीलिए वो पवित्र है भगवान ही है साक्षात अवतार लिए है उनकी करुणा है जो शब्दों के रूप में इस भगवत गीता में हम पढ़ते हैं तो ये है गीता भगवान का साक्षात अवतार श्रीमद् भागवतम भगवान का साक्षात अवतार कलयुग के जीवों पे जो है भगवान कृपा करके इस अवतार में वे एक्सेसिबल है जिस तरह से आप देखिए अगर कोई छोटा सा बच्चा अपने पिता को स्नेह करना चाहता है गले लगाना चाहता है तो शायद उसके लिए मुश्किल हो क्योंकि बच्चा छोटा है पिताजी शायद छः फुट के लंबे हैं, लेकिन अगर पिता खुद नीचे झुक जाते हैं तो बच्चा उसका आलिंगन कर सकता है उसी तरह से भगवान तो भगवान को समझना जानना उनके बारे में हमसे हमारे परे है लेकिन ठाकुर जी अपने प्रेम से करुणा से हमें एक्सेसिबल हो रहे हैं हमारे हमारे रीच में आ रहे हैं बाई ये जो भगवत गीता या भागवतम से जो है हम उन्हें एक्सेस कर पाते हैं आज अगर हम भगवान का दर्शन भी करना चाहे तो हमें मंदिर जाना पड़ेगा पवित्र होना पड़ेगा नहा के धो के जो है हमें थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता है लेकिन भगवत गीता के रूप में भगवान ने हमें पोर्टेबल पोर्टेबल टेंपल दे दिया है जिस तरह से हम सेल फोन को कैरी करके हर जगह घूमते हैं पूरी एक दुनिया हमारी मुट्ठी में है उस सेल फोन के द्वारा उसी तरह से भगवत गीता को जब हम लेके घूमते हैं या हमारे साथ रखते हैं वो पोर्टेबल टेंपल है एक्सेसिबल जब चाहे तब हम भगवान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं पद्मपुराण में कहा गया है जिस तरह से पद्म पुराण में आता है कि भागवतम जो है वे भगवान के रूप का विस्तार है जिस तरह से पद्म पुराण में कहा जाता है कि भागवतम के प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद जो है भगवान के दो पैर है उसी तरह से उसी पद्म पुराण में गीता के बारे में भी इसी तरह से कहा गया है पद्म पुराण में कहते हैं कि गीता के जो प्रथम पांच अध्याय है वे भगवान के विश्व रूप के पांच सिर है गीता के जो अम, दस अध्याय है वे भगवान की दस बुझाएँ है और गीता का जो सोलहवा अध्याय है वह भगवान की नाभि है और गीता का सत्रह और अठारहवा अध्याय जो है वे भगवान के पैर है तो उस तरह से हम गीता के कोई भी भाग से कनेक्ट हो तो हम ठाकुर जी से कनेक्ट हो रहे हैं हम भगवान से हम जुड़ रहे हैं तो गीता क्या है अगर हम भगवान के मुख से ये बात जानना चाहे तो महाभारत में ठाकुर जी कहते हैं गीता मेरा हृदय है गीता मेरा हृदय है इट इज़ माई हार्ट तो भगवान का जो ये हार्ट है गीता ये हमें भगवान ने अपने श्रीमुख से एक्सेसिबल किया है एक्चुअली किसी का भी जो हृदय होता है इट्स अ वेरी इंटीमेट थिंग हम रास्ते चलते किसी को भी हमारा हृदय नहीं देते हैं लेकिन ठाकुर जी की दया देखिए भगवान ने अपने हृदय को अपने श्रीमुख से बाहर करके लोगों को एक्सेसिबल किया है कि आप मेरे साथ जुड़ सकते हो हम जब गीता पढ़ते हैं सुनते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम भगवान के साथ में जुड़ते हैं तो भगवान का करुणा का गीत है इट इज़ ए सॉन्ग ऑफ कंपैशन भगवान गीता माने गाना भगवद गीता माने भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत क्यों गाया ये गीत दया से जब दया से भगवान जो है जीवों को अपने पास बुलाने के लिए जो है उन्होंने ये गीत गाया है इनफैक्ट ये गीता एक प्रेम पत्र है प्रेम पत्र जिस तरह से कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को लिखता है तुम यहाँ मुझे मिलने आओ इस समय पे मिलने आओ ऑफ कोर्स आजकल कोई पत्र नहीं लिखते हैं व्हाट्सअप करते हैं पर ये भगवान का पत्र है प्रेम पत्र क्यों ये प्रेम पत्र है क्योंकि अगर आप देखो गीता में 18 अध्याय है 700 सौ श्लोक है 700 सौ श्लोक में से अराउंड 575 हंड्रेड श्लोक जो है कृष्ण ने बोले है 83 थ्री श्लोक अर्जुन ने बोले है अराउंड फोर्टी वन श्लोक संजय ने बोले हैं और एक श्लोक द्वितराष्ट्र का है तो पूरे सात सौ श्लोक में से भगवान द्वारा बोले गए हैं फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव इस फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव में से भी मोर देन टू हंड्रेड दो सौ से भी ज़्यादा श्लोक में भगवान यही बात बोलेंगे ऐसा करो तो तुम मेरे पास आ सकते हो ये करो तो तुम वापस मेरे पास आ सकते हो और एक बार मेरे पास आ जाओगे तो तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है तुम ऐसा करो तो तुम्हें शांति मिलेगी तुम ऐसा करो तो तुम मुझ मुझ मुझको पा सकते हो तो इट्स ए लव लेटर ये प्रेम पत्र है बस यहाँ पे बार बार हमें बोल रहे हैं कि क्या करने से तुम मेरे पास आ सकते हो ये 500, 575 में से 200 से ज़्यादा मतलब आप समझ सकते हैं भगवान की आतुरता कितनी है कि तुम मुझ मुझे पाओ मेरे पास आओ तुम यहाँ सफ़र कर रहे हो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तुम कष्ट कर रहे हो तुम मेरे पास में आओ तो इसीलिए ये जो प्रेम पत्र है इसका क्या करना चाहिए हमें जो प्रेम पत्र होता है उसे पढ़ना चाहिए ना जब आप किसी को प्रेम करते हो आपको एक पत्र भेजता है तो आप पढ़ोगे कि उस पत्र को अच्छे से रख के मंदिर में पूजा करोगे गीता की पूजा करना गलत नहीं है गीता की पूजा तो करनी चाहिए क्योंकि ठाकुर जी से जुड़ी हुई हर चीज़ हमारे लिए स्पेशल है जिस तरह से माधवेंद्रपुरी को जब ठाकुर जी आके खीर देते हैं तो खीर तो खाते ही है लेकिन वो जिस जिसमें दिया है उसको भी माधवेंद्र पूरी जो है टुकड़े टुकड़े करके खाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि भगवान के द्वारा स्पर्श किया हुआ है तो ये भी मेरे लिए पूजनीय है तो जिस पात्र में खीर दी थी वो पात्र को भी जो है वे मट्टी का जो पात्र है उसे वे स्वीकार करते हैं तो भगवान के साथ तो जुड़ी हुई हर चीज़ पूजनीय है गीता हमारे लिए निश्चय पूजनीय है उसकी पूजा करनी चाहिए लेकिन पूजा करने के साथ साथ उसे खोल के पढ़ना भी चाहिए क्योंकि हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है जिस तरह से अगर हमें भगवान के प्रसाद को ऑनर करना है उसे मान देना है तो क्या करेंगे आज अगर कोई हमें गुलाब जामुन देता है रसगुल्ला देता है तो क्या करें? गुलाब जामुन को लेके रख दे के नहीं उसका अगर हमें मुंह में डालना है प्रसाद को मुंह से स्वीकार करते हैं कथा को सुनते हैं तो हर एक चीज़ का एक सिस्टम है उसी तरह से गीता हाँ ठीक है गीता जैसे बहुत लोगों को आप बोलो गीता ले लो ऐसा करेंगे बस पर, खोलना है उसे खोलना है आप कर सकते हो आरती लेकिन उसे पढ़ना है क्योंकि ये भगवान का पत्र है भगवान का पत्र है प्रेम पत्र है हम हर जब भी, भी हम गीता पढ़ते हैं हमें उसी भाव से पढ़ना चाहिए कि ये प्रेम पत्र भगवान ने हमारे लिए लिखा है जो भी श्लोक वहाँ पे लिखा रहता है आप पेंसिल से ऊपर में अपना नाम लिख दो डियर डियर्स सो एंड सो जो भी आपका नाम हो डियर राकेश डियर रमेश डियर महेश जो भी आपका नाम हो और फिर वो श्लोक पढ़ो जहाँ पे भगवान बोलते हैं कि देखो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रय अगर तुम मुझे दोगे तो तुम मेरे पास में अशनामी प्रतात्मा में पक्का लूँगा फिर नीचे भगवान का नाम योर योर फादर या योर वेल विशर या योर फ्रेंड हा? श्री कृष्ण वासुदेव सन ऑफ देवकी देवकिन वासुदेव इट्स ए लेटर इट्स ए लेटर हमें उस भावना से पढ़ना चाहिए कि भगवान ने ये पर्सनल लेटर हमें लिखा है हमें किसी और की परवाह नहीं है कौन क्या सोच रहा है क्या करना ये हमारे लिए है हमें लिखा है भगवान ने तो हमें गीता को पढ़ना चाहिए क्या होता है गीता पढ़ने से शास्त्र में कहते हैं जब हम गीता पढ़ते हैं शोक से भय से मोह से हम मुक्त होते हैं कैसे मुक्त होंगे शोक से आप अगर देखिए पूरे संसार में सब समय हमारी चिंता क्या होती है जो हमारे पास में नहीं है वो हमें चाहिए जो हमारे पास में है कहीं कोई ले ना ले कहीं कोई उस चीज को छीन ना ले जो हमें नहीं मिला उसका दुख है तो शोक भया मोह भया है ये मेरे पास है कोई ले लेगा शोक ये मुझे नहीं मिला मोह अगर ये मुझे मिलता तो ये तीन चीज़ ही है आप अगर आप सुबह उठ के रात को सोते समय तक अगर आप एक बार विचार करके देखो आपके जो कार्यकलाप है ये तीन चीज़ ही है कुछ चाहिए जो मिल गया वो कोई ले ना ले और जो नहीं मिला उसका दुख है लेकिन जब गीता पढ़ते तब शोक मोह भया तीनों चले जाएंगे कैसे कैसे मिट जाएंगे क्योंकि तब क्या होगा जो चीज़ आपके पास में है आप सोचोगे ये तो मेरी है ही नहीं भगवान ने दी है मेरी नहीं है अब क्या हुआ मोह चला गया मेरा है ही नहीं ठाकुर जी का है एज़ ऑफ नाउ अंडर माई केयर अभी मेरे पास है लेकिन मेरा नहीं है मोह नहीं है खत्म अच्छा भाई नहीं लगेगा अच्छा अगर मेरे पास जो आज ठाकुर जी ने दिया है अंडर माई केयर अगर ठाकुर जी ने ले लिया कोई बात नहीं मेरा था ही नहीं उनका था उन्होंने दिया उन्होंने ले लिया तो ले लिया तो भाई भी नहीं तो आप भय भी नहीं है मोह मोह भी नहीं है अच्छा जो चीज नहीं मिला अच्छा भगवान की इच्छा है उनका है देना चाहेंगे तो देंगे नहीं देना चाहेंगे तो नहीं देंगे शोक भी नहीं है शोक मोह भय किस कैसे गया ये शोक मोह भय? जब आप गीता पढ़ते हो गीता का ज्ञान जब बढ़ता है ज्ञान गीता पढ़ने से बहुत सारी चीजें होती है हमारे जीवन में गीता पढ़ने से आपका पहले तो इन्फॉर्मेशन ज्ञान बढ़ता है फिर क्या होता है जब इन्फॉर्मेशन आती है प्योरीफिकेशन हृदय शुद्ध होता है प्योरीफिकेशन होने के बाद में क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन जीवन बदलता है प्रोटेक्शन हम हमको माया से प्रोटेक्शन मिलता है करेक्शन हम जहाँ जहाँ गलती करते हमें पता चलता है सेटिस्फिकेशन हृदय में सेटिस्फिकेशन होता है कन्विक्शन भगवान के ऊपर में श्रद्धा बढ़ती है ये सब चीज़ गीता पढ़ने से होती है इन्फॉर्मेशन बिना इन्फॉर्मेशन अगर सी भगवान भगवत गीता में सात सौ श्लोक बोले हैं सात सौ श्लोक में से अगर आप देखो सारांश वाला है, श्लोक है नवम अध्याय का थर्टी फोर्थ श्लोक मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु ममे वैश्य से युक्त वयम आत्मा नाम मतपरायण नाम अपने मन को मुझ में पिरो मेरे बारे में सोचो मुझसे संलग्न करो नमस्कार करो आ? कैसे करेंगे किसी के साथ संलग्न करना है किसी के बारे में सोचना है सतत तो उसके बारे में जानना है बिना जाने आप किसी के बारे में कैसे सोचोगे चौबीस घंटा भगवान बोलते सततम कीर्तयंतो माम कैसे करें सततम कीर्तयंतो माम जब उनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं आज अगर मैं आपको बोल दूँ ब्रसल्स ब्रसल्स के बारे में सोचिए आप बोलेंगे ब्रसल्स कहाँ है ये ब्रसल्स कौन सा कंट्री कौन सा सिटी कहाँ है यूरोप अमेरिका जर्मनी कहाँ है ये जगह आप कैसे उसके बारे में मेडिटेट करेंगे जब आपको उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है लेकिन अगर आपने ब्रसल्स के बारे में पढ़ा है सुना है यूट्यूब में वीडियोस देखे हैं तब जब मैं कहूँगी ब्रसल्स पे अपना मन को केंद्रीकरण करूँ तब आप कर पाओगे तो हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन का मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हम शिवर लास्ट मोमेंट में हमारे अंतिम समय में जब हमारी प्रयाण यात्रा ये जो हमारी आत्मा है इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी या जहाँ भी जाएगी जो हम सोचते हैं उस पर हमें शरीर मिलता है उसका मतलब हमारी जो सोच है उस पर हमें काम करना है तो इस सोच में हमें भगवान को मिलाना है लेकिन भगवान के बारे में अगर जानेंगे ही नहीं तो हमारे विचारों में भगवान आएंगे कहाँ से तो इसीलिए जब हम गीता पढ़ते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन भगवान के बारे में बढ़ती है तब भगवान को हमारे विचार में हम लेके आ सकते हैं इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमें समझ में भी नहीं आएगा ये संसार में हो क्या रहा है मैं आपको एक बात बताती हूँ एक आदमी था उसे एक फ्रिज खरीदना था तो एक दुकान में गया बोला कि भाई साहब ये फ्रिज कितने का है जो दुकान के आदमी थे बोले भाई साहब आप यहाँ से चले जाइए हम आपको नहीं बेचना चाहते नहीं प्रॉब्लम क्या है पैसा लेके आया हूँ मुझे ये फ्रिज खरीदना है आपको प्रॉब्लम क्या है नहीं हम आपको बेचना नहीं चाहते आप यहाँ से जाइए ये लगा ऐसा क्यों मेरे साथ में व्यवहार कर रहे हैं ठीक है उसने क्या किया वेशभूषा बदल के आया लड़की बन के आया बोला आप मुझे ना ये फ्रिज चाहिए फिर से दुकान वाले ने बोला आप फिर से आ गए अभी अभी बोला ना आपको दुका हम नहीं बेचना चाहते निकलो यहाँ से अरे मैं लड़की बन के आया फिर भी ये लोग मुझे कैसे पहचान लिए फिर बुरखा पहन के आ गया मुसलमान बन के जो है बुरखा पहन के आया फिर से पूछा मुझे ये फ्रिज चाहिए फिर से दुकान वाले ने पहचान लिया बोला तुमको अभी अभी बोला तुमको नहीं बेचेंगे यहाँ से जाओ फिर वेशभूषा बदला फिर वेशभूषा बदला हर बार ये लोग पहचान जाते हैं फाइनली वो बोलता है ठीक है मुझे नहीं खरीदना है ये मैं नहीं खरीदूंगा सिर्फ एक बात का जवाब दे दो मैं इतना बार वेशभूषा बदल के आ रहा हूँ फिर भी आप कैसे पहचान लेते हो मुझे दुकान वाले ने बोला दुकानदार ने बोला बड़ा आसान है आप जिसको बार बार दिखा के कह रहे हो फ्रिज फ्रिज ये फ्रिज है ही नहीं ये तो वॉशिंग मशीन है ये तो वॉशिंग मशीन है और आप बार बार इसे फ्रिज कह के फ्रिज कह के संबोधित कर रहे हैं इसीलिए आप कुछ भी वेशभूषा बदल के आओ हमें समझ में आ जाता है कि वो आप ही है ठीक है मुझे ये ज्ञान नहीं है तो मुझमें मुझे ये बेचने में आपकी आपत्ति क्या है तो दुकानदार ने कहा कि जिसको इतना भी बुद्धि नहीं है कि ये फ्रिज है कि वॉशिंग मशीन है ऐसे आदमी को अगर मैं बेच भी दूँ तो कल को फिर आप मुझसे झगड़ा करने आ जाओगे कि इस वॉशिंग मशीन में जो है खाना ठंडा क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि ये फ्रिज है ही नहीं ये वॉशिंग मशीन है तो ऐसे लोगों के चंगुल में हमें पड़ना ही नहीं है इसलिए हम आपको बेचना नहीं चाहते बस हमारी भी सिचुएशन ऐसी है बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं बड़े बड़े प्रश्न हम पूछते हैं भगवान ने सोलह शादियां क्यों की भगवान ने अर्जुन की तरफ पार्शालिटी क्यों की भगवान झूठ क्यों बोले भगवान ने चोरी क्यों की भगवान ने भाई साहब तुमको नहीं समझा सकते हम नहीं समझा सकते क्योंकि तुमको पता ही नहीं है वॉशिंग मशीन क्या है फ्रिज क्या है क्या समझाए बहुत बार हमें ईमेल आते हैं बहुत सारे प्रश्न आते हैं इतने सारे प्रश्न पूछते हैं मुझे समझ में नहीं आता है मेरा उत्तर मैं कहाँ से शुरू करूँ कम से कम अगर वे ए बी सी डी कुछ जानते हो उसके बाद कुछ पूछे तो मैं जवाब दे पाऊँ ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं लेकिन अगर आप देखो उनके पर्सनल लाइफ में ना वह भगवान का जप करते हैं ना वह प्रसाद लेते हैं ना वो गीता के बारे में जानते हैं ना वे कृष्ण के बारे में कुछ जानते हैं वो महाभारत के सीरियल में सोनी टीवी में ऐसा दिखाया था माता जी तो इसका थोड़ा जवाब देंगे ऐसे ईमेल मुझे हजारों आते हैं इस में हमने इस चैनल में इसमें ऐसा दिखाया था कृष्ण का जो है ये नहीं वो भी उनकी गर्लफ्रेंड थी तो उसके बारे में आपका क्या बोलना है मैं ऐसे मेल्स जवाब ही नहीं देती हूँ सोचती क्या जवाब दे अपने निजी जीवन में वे कोई प्रयत्न ही नहीं कर रहे भगवान के बारे में जानने के लिए और उनके इतने सारे प्रश्न हैं तो पहले इन्फॉर्मेशन तो लो भगवान के बारे में इन्फॉर्मेशन लोगे तभी तो पता चलेगा अदरवाइज आप देखो हमारी परिस्थिति कैसी है जिस तरह से किसी आदमी को अगर अंधेरे कमरे में लाइट सब ऑफ है रात का समय है अमावस्या की रात है उस आदमी को बांध दिया है काली पट्टी से अंधेरे रूम में वो खड़ा है और उसको हर जगह से मारा जा रहा है कोड़े से अब उसकी परिस्थिति कैसी है उसे पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ किधर हूँ मुझे क्यों मार रहे हैं और क्योंकि पट्टी बांधी हुई है ये भी पता नहीं है कि कहाँ से मार लग, मार लग रही है हमारी सिचुएशन भी ऐसी है जब हमें गीता का ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है कि जब आपको गीता का ज्ञान हो जाएगा तो जीवन में परेशानी कम हो जाएगी इतना ही डिफरेंस हो जाएगा कि कम से कम आपको पता चलेगा कि परेशानी क्यों हो रही है एज ऑफ नम आपको बिल्कुल पता नहीं है मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ कोई बहुत सुंदर है कोई बहुत कुरूप है कोई बहुत अमीर है कोई गरीब है किसी के जीवन में सुख ही सुख है किसी के जीवन में दुख है कोई बड़े खानदान में जन्म लिया है कोई गरीब खानदान में जन्म लिया है इतना सब डिफरेंस क्यों है अगर भगवान कृष्ण सबके परम पिता है तो समान भाव से क्यों नहीं सबके साथ व्यवहार कर रहे कितने सारे प्रश्न आएंगे मैं दुख दुखी क्यों मैं दुख क्यों भोगत रहा हूँ मुझे इस भौतिक जगत में इतना कष्ट क्यों मिल रहा है ये सारे जवाब हम नहीं जानते हैं तो हमें मार मिल रही है लेकिन मार क्यों मिल रही है पता नहीं चलता है लेकिन जब भगवत गीता का ज्ञान होगा होगा तब क्या होगा? वो पट्टी हमारे आंख से निकल जाएगी कमरे में रोशनी आ जाए मार तो अभी भी पड़ेगी क्योंकि भौतिक जगत में है ना दुखालयम अशाश्वतम मार तो पड़ेगी लेकिन कम से कम आप अपने आप की रक्षा कर सकते हैं बारिश तो गिरेगी आप भक्त बन गए इसलिए आप जहाँ जहाँ चलोगे बारिश बंद नहीं होगी लेकिन आप में अब ये बुद्धि आ जाएगी कि मुझे छतरी पकड़ लेनी चाहिए अपने आप की रक्षा करनी चाहिए कीचड़ तो पूरा यहाँ का जैसा है वैसा ही रहेगा लेकिन आप में अब बुद्धि आ जाएगी कि मुझे चप्पल पहनने चाहिए बस उतना ही फर्क पड़ेगा गीता हमें एक ज्ञान देता है हाँ परिस्थिति ऐसी ही रहेगी मुझे कैसे इस परिस्थिति के साथ में रिएक्ट करना है रेस्पॉन्ड करना है मुझे क्या करना है ये ज्ञान गीता से मिलता है तो इन्फॉर्मेशन ज्ञान बिना भक्ति अंधी है और भक्ति बिना ज्ञान लंगड़ा है अंधविश्वास नहीं है हमारा हम जब भक्ति करते हैं ज्ञान से जुड़ के करते हैं समझ के करते हैं भगवान कौन है भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए गीता क्यों पढ़नी चाहिए सब कुछ हमें गीता का जो है ज्ञान जो है हमें सहायता करता है तो इन्फॉर्मेशन प्योरिफिकेशन शक्ति देती है हमें प्रोटेक्शन हाँ जिस तरह से आप देखिए साधारण आप डे टू डे लाइफ में भी कभी कभी हमें बहुत सुस्त लगता है तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा ग्लूकॉन डी पी लिया थोड़ा सा कोई शेक पी लिया तो एकदम शक्ति आ जाती है उसी तरह से इस भौतिक जगत की सिचुएशंस से जूझने के लिए गीता ग्लूकॉन्डी है जैसे आप ग्लूकॉन्डी पीते हो बोलते ना जान में जान आ जाए बस उस तरह से हमारी जो है मन में शक्ति आ जाती है न, मन में शक्ति आ जाती है आ, भ, आ, आपको अगीता महात्यम में, में मेरे ख्याल से ये श्लोक आता है पे लिखते हैं कि जिस तरह से साबुन और पानी से हम नहाते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध होता है उस तरह से जब हम गीता का पारायण करते हैं गीता को पढ़ते हैं सुनते हैं तो क्या होता है संसार मलनाशनम संसार मलनाशनम ये जो संसार के क्लेश है ये जो हमारे मन की अपवित्रता है ये सारा साफ हो जाता है प्रोटेक्शन करेक्शन हमें स्ट्रेंथ मिलती है हिजोलिन भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जब अपने अंतिम दिनों में आ, बिस्तर में थे उन्हें कैंसर था तो सचिनंदन महाराज उनसे मिलने गए थे तो अंतिम समय में कह रहे थे महाराज कोई कोई अच्छी बात बताओ जो हम हमेशा याद रखें तो भक्ति तीर्थ महाराज ने कहा कि बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जब दो कुत्ते लड़ रहे हो झगड़ा कर रहे हो तो कौन सा कुत्ता जीतेगा सच्ची नंदन महाराज सोच रहे हाँ कुत्ते की बात कहाँ से आ गई मुझे कुत्ते के बारे में इतना ज्ञान नहीं है कौन सा कुत्ता जीतेगा पता नहीं दो कुत्ते जड़ लड़ रहे हैं तो कौन सा कुत्ता जीतेगा बोलो महाराज मुझे समझ में नहीं आया था भक्ति तीर्थ महाराज ने बहुत सुंदर बात कही उन्होंने कहा जो कुत्ता शक्ति वाला है जिसे पोषण मिला है वो जीतेगा सिंपल सी बात है और फिर उन्होंने कहा कि हमारे हृदय में भी दो कुत्ते हैं एक जो हमें हर वक्त अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है और एक जो हमें माया की ओर ले जाता है और इन दोनों का हमेशा युद्ध होता रहता है है ना हमारे जीवन में हम सब समय ये करें कि वो करें आरती में जाए कि थोड़े देर और लेटे सो, सोते रहे जब करे कि टीवी देखे ये जो कंटिन्यूस फाइटिंग होती है कौन जीतेगा जिसको ज़्यादा पोषण मिला है उसका मतलब हमें हमने जिसको ज़्यादा पोषण दिया है वो शक्ति वाला हो जाएगा मतलब हमें पसंद हो ना हो अगर हमने जब किया है हमें पसंद हो ना हो हमने अगर गीता पढ़ी है उरिया में उरिया भाषा में ये कहावत है आपको पसंद हो ना हो तीता खाओ तीता माने कड़वा खाओ आपको समझ में आए ना आए गीता पढ़ो गीता पढ़ो तो बस अगर हमें पसंद हो ना हो अगर हमने भगवान का ही प्रसाद लिया है हमने गीता पढ़ी है हमने जप किया है हमने आरती कीर्तन किया है हमने साधना किया है तब क्या होगा ये जो हमारा ये कुत्ता है जो अच्छा वाला है वो शक्ति वाला हो जाएगा और तब ये जो कुत्ता जो हमें माया की तरफ ले जा रहा है जब ये फाइट करने के लिए आएगा तब ये उसे डिफीट कर देगा कि नहीं मुझे तो आरती में ही जाना है मुझे तो सेवा में ही जाना है मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा तो गीता पढ़ने से जो है ये शक शक्ति में बढ़ती है माया से युद्ध करने की शक्ति हम में बढ़ती है तो प्योरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन 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 से क्या होगा देखिए एक बहुत सुंदर कहानी संत एकनाथ एक बार प्रवचन कर रहे थे तो प्रवचन के एंड में एक आदमी ने आके बहुत सुंदर प्रश्न पूछा बोला महाराज आप इतना सुंदर कथा करते हो आप को कैसे इतना उत्साह मिलता है आ, क्या आपको पाप करने का दिल नहीं करता क्या आपको पाप करने आ, का आकर्षण नहीं होता तो संत एकनाथ बड़े गंभीर तरह से बोले ये सारे बातें बकवास है सबसे पहले एक बात सुनो तुम्हारे सिर पे मैं जो है लिखा हुआ देख रहा हूँ तुम सात दिन के अंदर मरने वाले हो मुझसे बात करने में टाइम वेस्ट मत करो जाओ अपना लाइफ प्रिपेयर करो तो बोला अरे थैंक यू थैंक यू कितनी बड़ी बात बता दी मैं सात दिन में मरने वाला हूँ इमीडिएटली घर गया सारे अरेंजमेंट्स किए सब कुछ किए जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी बीवी बच्चों को बता दिया सब छठे दिन जो है संत एकनाथ तो उसके घर आए बोला अरे आप आए बहुत अच्छा लगा बोला नहीं बस मैं इतना ही पूछना चाह रहा था तो कैसे चल रहा है कितने पाप किए तुमने लास्ट सिक्स डेज में मतलब तो पाप क्या पाप करूँगा मरने वाला हूँ ये छः दिन सारे इंतज़ाम में ही लग गए पाप करने का विचार भी नहीं आया फिर एक नाथ जी ने बोला तुम कोई मरने वाले नहीं हो मैंने ऐसे ही बोला था तुम्हें यह समझाने के लिए कि जब तुम सोच रहे थे कि मैं मरने वाला हूँ तुम्हें पाप करने की इच्छा नहीं हुई कि मैं मरने वाला हूँ पाप क्यों करूँ उसी तरह से जो भक्त हर वक्त सोचता है कि मैं कभी भी मर सकता हूँ कभी भी मर सकता हूँ मैं इस दुनिया में परमानेंट नहीं उसे पाप करने की इच्छा होगी नहीं पाप करने की इच्छा क्यों हो रही है क्योंकि आप सोचते हो आप इस जगह में परमानेंट हो लेकिन जो हर वक्त उस कॉन्शियसनेस में है कि मैं इधर टेम्प्ररी हूँ तो उसको पाप करने की इच्छा ही नहीं होगी तो ये गीता हमें मदद करती है प्यूरिफिकेशन, इन्फर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोटेक्शन इस कलयुग में सब सफ़र कर रहे हैं कोई खुश नहीं है क्योंकि ये दुखालयम अशाश्वतम है अगर कोयले की खान में आप चले जाते हो इवन दो आपने सा परफेक्टली प्योर वाइट साड़ी पहनी है प्योर वाइट ग्लोव्स है प्योर वाइट सॉक्स है आपका सब कुछ प्योर वाइट ही है लेकिन कोयले के खाने में चलोगे कोयले की खाने के अंदर में अगर आप चलोगे तो पक्का काला डस्ट जो आपके ऊपर में आएगा ही आएगा आप कितना भी अपने आप को प्रोटेक्ट करो उस तरह से हम जो ये कलयुग में है हम कितनी भी कोशिश करें हम ये ये दुखालयम है ये दुख से भरा हुआ है पदम पदम यदि विपदम हर हर एक स्टेप में दुख है प्रॉब्लम है लेकिन रूप गोस्वामी बोलते हैं कि एक ही आदमी है जो इस प्रॉब्लम से बच सकता है क्या बोलते हैं रूप गोस्वामी पद्यावली में अहो अहो भी नकले विदूयते सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे दिने दिने चंदन चंद्रशु शीतले यशो यशोदा तनयस्य गीयते यशो यशोदा तनयस्य गीयते जो यशोदा के बेटे का गाना गा रहा है उसके बारे में सुन रहा है उसका पूजा कर रहा है उसका भजन कर रहा है उसका क्या होगा अहो अहो भी नकलेर विदुयते ये जो कल का क्लेश है उसे नहीं छू सकता सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे और सब लोग गर्मी में है लेकिन वो तो एयर कंडीशन में है सब सफर कर रहे हैं इस भौतिक जगत में लेकिन वो आनंद में उसका कस्टमाइज एसी पीछे लगा हुआ है वो जहां जहां जा रहा है सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे दिने दिने चंदन चंद्र शीतले सब गर्मी में मल रहे उसको तो ठंडा लग रहा है लग रहा है कि किसी ने चंदन लगाया हुआ है एकदम मजा आ रहा है उसको क्यों क्योंकि वो यशो यशोदा तनयस्य गीयते यशोदा के पुत्र श्री कृष्ण की सेवा कर रहा है भगवान कृष्ण की शंकराचार्य क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं बोलते हैं एक देव देवकीत्र गीत एक एको मंत्र तस्य नामानि यानी हुँ? और फिर बोलते हैं कर्म अपि एकम तस्य सेवस्य देवा मतलब okay, एक ही एक ही काम है हमारा तस्य देवस्य सेवा एक ही मंत्र है देवकी के पुत्र का जप करना एक ही भगवान है देवकी का पुत्र एक ही शास्त्र है जो देवकी के पुत्र ने गाया था भगवत गीता एक ही काम है हमारे जीवन में उनकी सेवा करना बस दैट्स ऑल जितना हो सके भज गोविंद स्तोत्र में शंकराचार्य बोलते हैं जितना हो सके थोड़ा बहुत भी बोलते हैं भगवद गीता किंचन धीता किंचन थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा सा भगवत गीता अगर कोई रोज पढ़ता है और गंगा जल गंगा जल थोड़ा सा लव लव मात्र कनिका पीता थोड़ा सा अगर गंगा जल कोई पीता है और मुकुंदा भगवान मुकुंद सम समा भगवान की जो अर्चना करता है उसका क्या होता है यमे न चर्चा कभी भी यमराज से चर्चा नहीं करनी पड़ेगी तीन चीजें करनी है थोड़ा सा गंगा जल लिया और थोड़ा सा गीता पढ़ा ज़्यादा भी नहीं थोड़ा सा रोज रोज अगर आप पढ़ते हो रेगुलरली थोड़ा सा गीता पढ़ा थोड़ा सा गंगा जल लिया काफ़ी और मुकुंद की अर्चा भगवान मुकुंद की पूजा अर्चना की उसे यम के साथ में कभी अपॉइंटमेंट नहीं होगी कभी उसको यम यमराज के साथ में चर्चा नहीं करनी पड़ेगी तो गीता से क्या होता है प्यूरिफिकेशन <coughs> प्यूरिफिकेशन गीता से ज्ञान बढ़ता है गीता पढ़ते तो हमें पता चलता है कि हम इस दुनिया में परमानेंट नहीं है जात से ही ध्रुआ मुत्युर जिसने जन्म लिया है उसे मरना है हम कोई यहाँ परमानेंट नहीं है और जब हमें ये ज्ञान होता है तब मोह कम हो जाता है एक्चुअली गीता का होल पर्पज़ है मोह का नाश करना हम इस संसार में दुखी है क्योंकि हमें मोह है काम क्रोध मोह लोभ इसी से प्रॉब्लम है एक्चुअली मैंने सुना था कहीं मेरे कॉलेज डेज में एक जगह महात्मा गांधी के बारे में कुछ पढ़ रही थी तो उन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा बोला इस दुनिया में इट इज़ देर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी इज नीड बट देर इज़ नो इट्स नॉट इनफ फॉर एवरीबडी इज ग्रीड एक्चुअली इस दुनिया में जो भी है काफ़ी है सबकी ज़रूरत पूरी करने के लिए लेकिन सबका जो ये लोभ है उस उसको पूरा करना मुश्किल है मैं बहुत बार ये कथा सुना चुकी हूँ लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के प्रधान मंत्री रह चुके उनके पास एक बार उनका एक मित्र आया था बोला मुझे एक पाँच हज़ार रुपये लोन चाहिए तो उन्होंने कहा मेरे पास उतना पैसा नहीं है क्योंकि मुझे महीना में पाँच सौ रुपये सैलरी मिलती है तो मैं पाँच हज़ार तुमको कहाँ से दे दूँ बोला ठीक है कोई बात नहीं छः आठ महीने के बाद फिर से किसी एक संदर्भ में दोनों मित्र मिले तो इस मित्र ने इमीडिएटली लाल बहादुर शास्त्री से कहा बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद किस लिए बोले नहीं वो आपने जो पाँच हज़ार रुपये दिए मैंने कब दिए नहीं आपने नहीं दिए आपके पत्नी ने दिए अच्छा मेरी पत्नी ने दिए बोला हाँ तो फिर ये इमीडिएटली गए अपने पत्नी के पास बोला तुम्हारे पास में पाँच हज़ार रुपये कहाँ से आ गए बोला नहीं आ, महीने में पाँच सौ रुपये हमारी सैलरी है चार सौ रुपये घर खर्च है एक सौ रुपये जो है वो बच जाता है तो मैंने जमा किया था पाँच हज़ार रुपये हो गए मैंने आपके मित्र की मदद कर दी तो लाल बहादुर शास्त्री इमीडिएटली अपने लाइब्रेरी में गए वाइट पेपर लिया पेन लिया चिट्ठी लिखी पत्र लिखी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कृपया करके मैं आपकी दृष्टि में ये बात लाना चाहता हूँ कि मेरी जो सैलरी है पाँच सौ रुपया महीना कृपा करके अगले महीने से चार सौ कर दीजिए क्योंकि मुझे एक सौ रुपये एक्स्ट्रा हो रहा है उतनी मुझे ज़रूरत नहीं है चार सौ में मेरी ज़रूरत पूरी हो जा रही है तो काइंडली मेरी सैलरी जो है पाँच सौ से कम करके चार सौ कर दीजिए अगले महीने से आप आप इमेजिन करिए ये है महान लोग मोह लोभ क्यों होता है जब गीता पढ़ते हो जब आप गीता पढ़ते हो गीता का ज्ञान आप लेते हो तब अपने आप से जो है मोह लोभ बहुत बार लोग बोलते हैं हाँ ठीक है पढ़ेंगे बाबा गीता अभी क्या ज़रूरत है अभी बहुत सारे काम है हमारा जॉब है मेरे बेटी का शादी है मुझे बहुत सारे काम है मैं बाद में पढ़ूँगा प्रॉब्लम ये है कि अभी पढ़ना है ये जब आप प्रॉब्लम में हो उसमें सोल्यूशन है आप सोचते हो मैं प्रॉब्लम को पहले सॉर्ट आउट कर दूंगा उसके बाद पढ़ूंगा ये ऐसी बात हो गई कि आपको बुखार है और मैं कहती हूं प्रभु जी आपको बुखार है डॉक्टर के पास जाएंगे आप कहते नहीं बुखार कम हो जाने से फिर जाऊंगा डॉक्टर के पास फिर फायदा क्या आप अभी जाना है आपको बुखार है आपको डॉक्टर के पास जाना है लेकिन आप कहते हो नहीं बुखार खत्म होने के बाद जाऊंगा इसलिए तो आप देखिए भगवत गीता को भगवान कृष्ण ने युद्ध के क्षेत्र में कहा है क्योंकि भगवान जानते थे कि अगर मैं कोई गुफा में बैठ के अर्जुन से गीता कहूँगा तो आने वाले युगों में लोग कहेंगे हाँ अर्जुन तो फ्री था गुफा के अंदर में बैठा था मेरी लाइफ को आपको क्या पता सुबह नौ से लेकर शाम को सात तक माथा ख़राब हो जाता है इतना काम इतने सारी समस्या इतने सारे प्रॉब्लम इसीलिए एक्चुअली गीता को कहा गया है ये जो वैदिक शास्त्र है इसके ज्ञान को कहा गया है अरण्य ज्ञान एक्चुअली इस ज्ञान को अरण्य शांति वातावरण में जंगल में गुरुकुल में गुरु अपने शिष्य को देते हैं ये अरण्य ज्ञान है लेकिन आप देखिए इस ज्ञान को भगवान ने युद्ध के क्षेत्र में दिया क्योंकि हमें बताने के लिए कि अर्जुन भी बहुत बिजी था फ्री नहीं था सामने युद्ध करने के लिए लोग खड़े थे ही वॉज़ बिजी इस टाइम में उसने गीता सुनी यही तो भगवान की क्रांति है देखिए ऐसे ज्ञान को उन्होंने युद्ध भूमि में दिया सो हमें समझाने के लिए कि हाँ हमें भी जो हमारे डे टू डे युद्ध है जो चल रहे हैं बॉस के साथ बीवी के साथ बच्चों के साथ ऑफिस के लोगों के साथ उसके बीच में हमें ये गीता को पढ़नी है तब हमारा मन जो है वो स्थिर हो जाएगा वो संभल जाएगा तो हमें गीता को पढ़नी है रेगुलरली पढ़नी है भगवान कितने कृपालु है हमें गीता ही दी नहीं और गीता तो दी ही है उसके साथ साथ में चीज़ें गीता के अंदर अगर आप पढ़ो तो हमारी लाइफ को भगवान ने कितना सरल बना दिया है एक्चुअली एज ए ह्यूमन बींग ये जो मानव जन्म हमें मिला है हमें रोज़ यज्ञ करना चाहिए ये सिस्टम है वैदिक सिस्टम है आपको रोज़ यज्ञ करना चाहिए आपको रोज़ घी के अन्न की आहूति देनी चाहिए गरीबों में खाना बांटना चाहिए गृहस्थ का धर्म है पशुओं को भी खाना देना चाहिए सबको हमें जो है ये हमारी ऋण है ऋषि ऋण है गुरु ऋण है पितृ ऋण है भूमि का ऋण है प्रकृति का ऋण है देव का ऋण है ये सारे ऋण है हमारे जीवन में ये सारे ऋण को उतारने के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए लेकिन हमारे पास यज्ञ करने का समय नहीं है तो भगवान ने सिंपल सिंपल नाइन पॉइंट ट्वेंटी सेवन भगवदगीता में बोल दिया करो यद करोशी यदशनाशी यजुहोशी ददाशी यद यद तपस्या ऐसे कौन थे या मदर्पणम तत्कुरुष मदर्पणम बस हो गया तुम जो करते हो करो बाबा से मुझे याद करो मेरे लिए करो काफ़ी है कितना सिंपल से हमारी लाइफ को भगवान ने जो है सिंपल बना दी है एक्चुअली अगर आप देखो तो अगर हम कुछ भी कर्म करें बंधन होता है ये बहुत कॉम्प्लिकेशन है आप कुछ भी कर्म करो बंधन होता है अच्छा ठीक है मैं कर्म नहीं करूँगा कल से तो हम बैठ नहीं सकते आप बैठ पाते हो कैसे आपको अरे खाना है घूमना है कमाना है बहुत कुछ करना है आप बिना कर्म किए नहीं रह सकते हो अच्छा ठीक है कर्म करूंगा तो बंधन हो जाएगा अरे कर्म करूंगा तो बंधन हो जाएगा कर्म नहीं करूंगा तो नहीं रह सकता तो करूं क्या तो भगवान ने कितनी सुंदर बात गीता में बता कर्म करो लेकिन मेरे लिए करो बस खत्म बात कर्म करो लेकिन मुझ मुझको दृष्टि में रखो मेरे लिए करो हो गया अब ये कर्म करो मेरे लिए करो मतलब क्या हुआ भक्ति योग खत्म कितनी सिंपल बात राइट लेकिन कई बार ना भक्त लोग मुझे पूछते हैं माता जी अगर भगवान को यही सारांश देना था गीता का कि आप मेरी भक्ति करो तो इतना सब क्यों बताया ज्ञान योग कर्म योग ध्यान योग सन्यासी ये सब इतना कॉम्प्लिकेशन सात सौ श्लोक देने की क्या बात थी दो श्लोक में बता देते देखो मेरी भक्ति करो बस काफ़ी है मामला ख़त्म हमें कन्फ्यूज़ करके कन्फ्यूज़ करके बाद में क्यों बता रहे नहीं ये बात कन्फ्यूजन की या चीज़ को लंबी लंबी खींचने की नहीं है ये सिंपल बात ऐसी है कि भगवान इसलिए हमें इतना सब कुछ बताने के बाद में भक्ति योग बताते हैं क्योंकि ये हमारा स्वभाव है आज आपके पास आपकी बेटी अगर आपके पास में आके कहती है कि डैडी मुझे ना मैथ्स में सेवेंटी आए सबसे पहले आप पूछेंगे अच्छा तो रानी को कितने आए तो महेश को कितने आए तो शालिनी को कितने आए तो सीता को कितने आए नहीं उसको थर्टी आए इसको फोर्टी 40... अच्छा फिर तो तुम्हें अच्छा ही आया बिकॉज़ ये हमारा स्वभाव है नेचुरल हमें कंपेरिजन चाहिए तुमको इतना आया तो इसको कितना आया उसको कितना आया बस तो इसीलिए अगर भगवान डायरेक्टली बोल देते ना भक्ति करो तो हमें अच्छा नहीं लगता तो भगवान कंपेयर कर रहे देखो ज्ञान योग ऐसा है ध्यान ऐसा है कर्म ऐसा है ऐसा करेगा तो ऐसा होगा क्योंकि तुम्हारे पास शरीर है क्लेशोदय का तरस्ते सामाव्यक्ता सखत चेतन समाव्यक्ता ही गतिर दुखम ये दुख होगा क्योंकि तुम्हारे पास शरीर है तो तुम ऐसे सेंसेस को कंट्रोल करने से ऐसा होता है अष्टांग योग ऐसा होता है ये सारा कंपेयर करने के बाद हमें लगता है हाँ भैया भक्ति योगी अच्छा है उतना नहीं होगा मुझसे ये सिंपल है फिर भगवान बोलते हैं अच्छा है, तो फिर तुम्हारी मर्जी भक्ति करने से ऐसा होगा सिंपल बात सिंपल बात और कुछ लोगों को तो ये भी प्रॉब्लम है कि भगवान इस भगवत गीता में हर बार मेरी पूजा करो मुझे प्रणाम करो मेरे बारे में ध्यान करो मेरे इतना मैं 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 ये अहंकार नहीं है तो क्या है ये अहंकार नहीं है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं भगवान गीता में जो बार बार बोलते हैं ना भक्ति करो मेरे पास आओ मेरे एक्चुअली भगवान ये सब बोल रहे हैं क्योंकि वे राधा रानी की महिमा के गुणगान करना चाहते हैं अब जब हम ये बात सुनते हैं हम और भी कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें राधा रानी कहाँ से आ गई बीच में गीता के साथ में तो राधा रानी का कोई कंसर्न ही नहीं है इनफैक्ट अगर आप प्रौपात जी की गीता पढ़ो तो पूरे प्रभुपात की गीता में राधा रानी राधा शब्द एक ही बार आया है वो भी इंट्रोडक्शन में है जहाँ पर प्रभुपात जी राधा रानी को प्रणाम करते हैं तब तक आंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी उसके अलावा कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं आया है तो ये राधा रानी कहाँ से आ गई बीच में तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि ये जो आप देखिए गीता के स्पेशली सेवेंथ एट नाइन्थ इलेवेंथ चैप्टर में भगवान मेरी पूजा करो मेरी भक्ति करो तो बोलते क्यों यहाँ कैसे राधा रानी पिक्चर में आई राधा रानी है हलादिनी शक्ति राधा रानी है भक्ति भक्ति का स्वरूप तो भगवान राधा रानी की महिमा भक्ति की महिमा फैलाना चाहते हैं इसीलिए वे गीता में बार बार मेरी भक्ति करो मेरे पास आओगे मुझे पूजा करो मुझे फल दो फ्रूट दो मेरे तरफ देखो सब मुझ में अमर समर्पण करो सी अगर ज्ञान कर्म वगैरह के बारे में नहीं बताते तो हमें भक्ति की वैल्यू भी नहीं होती ये तो ऐसा बात हो गई ना कि इमेजिन अगर मैं आपको एक कहानी बताती हूँ ये जो राजा है ना बहुत बड़े राजा है इन्होंने इस देश पे आक्रमण किया था इसको भी उन्होंने जो है कब्जे में कर लिया था इस देश को भी उन्होंने जो आक्रमण किया ये देश भी उनके नीचे है ये एक राजा उनके नीचे है ये बड़े ही प्रभावशाली राजा है पूरा विश्व उनके कब्जे में है लेकिन भुवनेश्वर में एक छोटे से गांव में एक किसान ने इस राजा को हरा दिया तब आप बोलेंगे अरे बाप रे इतना बड़ा राजा और एक छोटा सा किसान ने हरा दिया अब क्या होगा उस किसान की आपको महिमा हो जाएगी अगर मैं साधारण बोलती इस किसान ने इसको मार दिया तो आपको बड़ी बात नहीं लगेगी लेकिन मैं जब आप बताओ ये राजा इतना बड़ा है इतने लोगों को उसने आक्रमण और एक छोटा सा किसान ने इसे मार दिया अब क्या होगा उस किसान पर जो है आपकी अरे बापरे तो सच में बहुत शक्ति वाला है उसी तरह से भगवान सारे 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 योग सारा ज्ञान अष्टांग योगा ये वो सब कुछ बताते हैं लास्ट में भगवान बोलते हैं लेकिन भक्ति योग से जो है आप मुझे वर्ष में कर सकते हो सिंपल भक्ति योग भी एक एक छोटे से गांव का किसान जैसा ही तो है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है हाथ जोड़ो भगवान की सेवा करो पूजा करो उनको मन में रखो उनका प्रसाद खाओ सब कुछ उनको अर्पण करो आरती करो बस हो गया सिंपल सी बात कोई विशेष योग आपको करने की या कोई अष्टांग योग या कोई ध्यान या कुछ आपको त्याग करने की कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सिंपल थिंग बस भगवान को प्यार करो उनको अपने स्मरण में रखो तो अब जब ये सब कुछ सुनने के बाद हमें लगता है कि अरे कितना सब कुछ डिफिकल्ट प्रोसेस है लेकिन ठाकुर जी ने हमारे लिए सब कुछ कितना ईजी बना दिया बस भक्ति भक्ति में सब है भक्ति में ज्ञान योग है कर्म योग है ध्यान योग है भक्ति माने क्या ज्ञान योग माने भगवान के बारे में जानो भक्ति में हम यही करते हैं रोज भागवत हम पढ़ते भगवान के बारे में जानते हैं कर्म योग माने कर्म करो हम रोज यही करते हैं भगवान की सेवा करते हैं ज्ञान योग हो गया कर्म योग हो गया ध्यान योग ध्यान करो हम करते हैं रोज भगवान का ध्यान करते हैं जब करते करते भगवान को ध्यान करते हैं तो ध्यान कर्म ज्ञान सब कुछ भक्ति के अंदर में आ गया भक्ति माने सब चीज़ का मिश्रण है सारे योगों का मिश्रण है तो तो भगवान ने बहुत ही सिंपल तरीके से कि इतना इतना सब कुछ जो है जटिल है लेकिन उन्होंने हमारे लिए बहुत ही उसको आ, सिंपल बना दिया है और, और शील प्रभुपात जी ने अपने असीम कृपा से उसे और भी सिंपल बना दिया है हमारे समझने के लिए प्रभुपात जी ने अपने अनुवाद अपने तात्पर्य से जैसे ना एक माँ कभी कभी आप देखो ना माँ जब बच्चे को खिलाती है ना दाल भात मिक्स करके आप अब होटल में जाते हो तो आपको प्लेट दे देंगे ये रहा दाल राइस आपको मिला के खाना पड़ेगा लेकिन वही माँ जब अपने बच्चे को खिलाएगी ना वो दाल और राइस को एकदम 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 उसको सॉफ्ट 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 करके फिर मुँह में डालती है तो बस एकदम अंदर चला जाता है बस उस शिल आसान कर दिया है हमारे लिए उनके अनुवाद वगैरह से गीता को इतना आसानी से हम समझ पाते हैं उनकी असीम कृपा हम में है हम पर, हम पर सब पे है भगवत गीता को ना, ना ही वे हमारे जीवन के अंदर में लाए हैं लेकिन उन्होंने भगवत गीता को जी के दिखाया है हमें जी के दिखाया है कि भगवत गीता को हम कैसे जी सकते हैं हमें कैसे अपने जीवन में इसका आचरण करना है बड़े ही सिंपल तरीके से एक बार एक भारतीय जेंटलमैन शैलाप्रभुपात के पास में गए और बड़े ही गर्व से कहा शैला प्रभापात आप जानते हैं मुझे 700 सौ श्लोक आते हैं गीता के स्टार्टिंग से लेकिन एंड तक अगर आप बोलो तो एंड से लेकर स्टार्ट तक उल्टा भी बोल सकता हूँ पूरे 700 सौ उप्रऊपाद जी ने हंसते हुए कहा अच्छा तुम्हें 700 सौ श्लोक आते हैं लेकिन क्या तुम भगवद गीता को अपने जीवन में सात मिनट तक जी सकते हो सेवन मिनट्स सेवन मिनट्स जी सकते हो भगवत गीता को जीना है अपने जीवन में उसका आचरण करना है नॉट ओनली इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप गीता कितना सुंदर से पढ़ सकते हो या प्रनाउंसिएशन जैसे एक बार किसी ने प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपा जी आपके विदेशी भक्त का प्रनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक नहीं है जिस तरह से वे भगवत गीता प्रनाउंस कर रहे हैं तो प्रभुपाद ने कहा हाँ उनका प्रनाउंसिएशन ठीक नहीं है लेकिन उनका रिनाउंसिएशन सुपर है रेनाउंसिएशन सुपर है जिस तरह से उन्होंने सब कुछ इतने ऐसी जगह में वे जी रहे थे अब तो खैर भारत में भी काफ़ी लग्जरी आ चुकी है लेकिन उन दिनों में आप इमेजिन कर सकते हो इतना लग्जरियस लाइफ वे जी रहे थे सब कुछ छोड़ के वे कृष्ण की सेवा में आ गए तो प्रभुपद ने कहा प्रनाउंसिएशन भूल जाओ उनका रिनाउंसिएशन सुपर है हाँ जो गाय का मांस खाते थे वो सब छोड़ के आज प्याज लहसुन भी छोड़ दिए है चाय कॉफ़ी भी छोड़ दिए है सुबह साढ़े तीन चार बजे उठ के ठंडे पानी में स्नान करके भगवान कर जब करते हैं पैंट शर्ट वगैरह छोड़ के धोती कुर्ता पहन के भगवान की सेवा कर रहे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया है तो श्रील प्रभुपा जी ने हम पे कृपा करके इसको बड़ा ही सरल बना दिया है हमारे लिए हमारे जीवन में भगवत गीता को लेके प्रऊपा जी आए हैं तो हमें क्या करना है जब हम अगर हम प्रभुपा जी से प्रेम करते हैं और अगर हमें इसकी वैल्यू समझ में आ रही है तो हमें इस गीता को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है हमें खुद भी उसे पढ़ना है और दूसरों में गीता का वितरण भी करना है इस तरह से हम शिल प्रभुपात जी को हमारा प्यार हमारा हमारी कृतज्ञता हमारी ग्रेटफुलनेस कि हाँ आपने हमें गीता जी दी है उसको अगर हम व्यक्त करना चाहते हैं तो हमें इस गीता के ज्ञान को सबको देना चाहिए तो गीता मैराथन मंथ ही नहीं साल भर भी जब भी अवकाश मिले कोई भी संदर्भ में कितने सारे आजकल तो हमारे पास में अवकाश है फैसिलिटीज़ है कोई बर्थडे गिफ्ट्स के रूप में दे दिया किसी के शादी में गए तो उन्हें गिफ्ट दे दिया कॉलेज़ में स्कूल्स में जेल्स में हॉस्पिटल्स में कितनी जगह पब्लिक प्लेसेस में जो है हम घर घर जाके जो है ऑफ़िस जो ऑफिस जाके जो है हम गीता डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इंटरनेट में, में मेल्स के द्वारा फेसबुक व्हाट्सएप के द्वारा भी हम गीता का प्रचार कर सकते हैं तो इस गीता जयंती के पवित्र महीने में अगर हम गुरु कृष्णा के ऊपर में हमारी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं कृष्ण कितने दयालु है हम पे कितनी दया दिखा के जो है वे गीता का ज्ञान दे रहे हैं हम सब भटके हुए जीव है घर का रास्ता भूल गए हैं हम बच्चे हैं जैसे एक छोटा सा बच्चा अगर घर का रास्ता भूल गया और कोई उन्हें रास्ता दिखाता है तो हम सोचते अरे कितना अच्छा आदमी इसने रास्ता दिखाया बस हम सब जीव भी भटके हुए हैं घर का पता भूल गए हैं कहाँ जाना कैसे जाना पता नहीं है तो हमें किसी ने दी है गीता तो आज हमें पता पता चला अच्छा हमारा घर गोलोक वृंदावन है अच्छा हमारे पिता कृष्ण है अच्छा ये हमारी जगह नहीं है तो आज हमें ये पता चला है तो कल हमें किसी और को भी ये पता दिखाना चाहिए कि भई हमारा आपका एड्रेस ये है आप गलत जगह पे आ गए हो हमें हमें सब मिलके जो है बैक होम बैक टू गॉड हेड भगवत धाम जाना है और इसका पता इस किताब में है भगवत गीता में है तो इसे हमें बांटना भी है सब में बांटना है तो ये कहते हुए मैं यहाँ पे क्लास खत्म करूँगी आई जस्ट होप मैं ओवर टाइम ना गई हो तो थैंक यू सो मच गीता की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा ओके okay, सो so आपका क्वेश्चन है कि कभी कभी हम विलेज़स में या गांव में जहाँ पे हम गीता वितरण करने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है वे गीता को पढ़ नहीं सकते हैं तो क्या किया जाए सी एक्चुअली ऐसे सिचुएशन में उनको भगवान के नाम के बारे में बताना प्रसाद देना अनुकूल है लेकिन फिर भी अगर हम उन्हें गीता दे पाए क्योंकि जैसे कि मैंने मेरे क्लास के शुरुआत में बताया कि भगवान कृष्ण में और गीता में कोई फ़र्क नहीं है तो अगर वो पढ़ भी नहीं सकते फिर भी अगर गीता अगर अपने घर में रखेंगे तो उनके लिए ये भगवान स्वयं उनके घर में विराजेंगे और इसके बारे में आप उन्हें बता सकते हैं कि भगवान कृष्ण में और गीता में कोई फ़र्क नहीं है और अगर आप भगवत गीता को अपने घर में भी रखते हो तो ये जो पूरा वातावरण जो है आपका पवित्र हो जाएगा भगवान की कृपा आप पे रहेगी मुझे याद है मैं लास्ट ईयर भद्र पूर्णिमा में हमने एक सिस्टम निकाला था कि जो भी श्रीमद् भागवतम का सेट खरीदते हैं मैं खुद उनके घर में जाती हूँ और भागवतम के सेट की स्थापना करती हूँ तो हम किसी के घर गए थे तो हमारे सिस्टम ऐसी है जैसे गाड़ी से ही जो है जि, जिनका घर में वो प्रोग्राम है हाउस प्रोग्राम वे अपने सिर में जो है उस भागवतम को ऐसा ले फिर कीर्तन करते करते उनके घर में प्रवेश करते हैं तो भागवतम उन्होंने अपने सिर में ली कीर्तन किया फिर हमने भागवतम की स्थापना की उसके बाद में मैं भागवतम का बारे में गुणगान कर रही थी कि भागवतम क्या है तो क्लास के एंड में वो बोल रहे थे कि माता जी आपने कहा भागवत को सिर पे लो कीर्तन करो ये सब ठीक है लेकिन जब आपने क्लास दिया और आपने बताया कि भागवत अगर हमारे घर में रहता है मतलब घर में तैतीस करोड़ थर्टी थ्री करोड़ देवता इस घर में विराजते हैं तब मुझे इतना आनंद लगा कि अच्छा तो उस मैं वो भागवतम तो को मेरे सिर पे लेके आ रहा था मतलब भागवत माने तैतीस करोड़ देवता है भागवत के अंदर में अब मुझे इतना आनंद आया पहले भी अच्छा लगा क्योंकि आपने बोला था लेकिन अब जब समझ में आया तो और भी आनंद आया तो उसी तरह से आ, हम समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है वो भगवद गीता नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन फिर भी अफकोर्स आज आजकल इसीलिए तो आप देखिए अब टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत सारे वेज़ है जिससे हम उन तक पहुंच सके आजकल तो वो छोटा सा वो एम भी आता है जहाँ भगवत गीता का रेसिटेशन वे सुन सकते हैं या भगवत गीता की कथा वे सुन सकते हैं बट आई कैन अंडरस्टैंड सिचुएशन जैसे विलेज में कहाँ इंटरनेट होगा कोई उनके पास कोई रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता है शायद कोई टेक्निकल ये लेकिन फिर भी अगर आप ये बात समझाओ कि देखो अगर आप भगवत गीता जो है वे भगवान कृष्ण का शब्द शब्द भगवान है वो भगवान है तो अगर आप अपने घर में रखते हो या रोज जो है उनकी पूजा करते हो या उन्हें छूते हो उन्हें भगवान की छवि देखते हो केवल उस उस उसको उस क्रिया के करने मात्र से जो है आपका जीवन धन्य होगा तो शायद वे कन्विंस हो जाए तो मैं, मैं समझ सकती हूँ कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जब उनको पढ़ना ही नहीं आता है तो उनको वैल्यू नहीं होगी बट आप दो चार ऐसी बातें बता सकते हैं जैसे आप देखिए बहुत सारे लोगों को गीता के अंदर की अर्थ को जानने में इंटरेस्ट नहीं होता है तो उनको हम अलग टाइप की कथाएं सुनाते हैं जैसे ना आप देखिए पद्म पुराण में बहुत सुंदर सुंदर कथा आती है कि केवल गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे तो क्या होगा एक श्लोक ही नहीं आधा श्लोक आधा श्लोक भी नहीं एक शब्द सो एक शब्द पढ़ेंगे तो क्या होगा जैसे आप देखिए पद्म पुराण में एक कथा आती है कि जब इंद्र अपने एकदम सभा में बैठे हुए थे सिंहासन पे तो एक आदमी चल के आता है तो जैसे वो आदमी चल के आता है सारे देवता लोग खड़े हो जाते हैं उसको देखने से अरे क्या हुआ हमको क्यों ऐसा उनको देखने से खड़े होने का दिल कर रहा है उनको भी समझ में नहीं आ रहा है सब उठ जाते हैं इंद्र भी उठ जाते हैं और वो अपना मुकुट लेके उनको पहना के उनको बिठा देते हैं और फिर वो सीधा भागते हैं श्वेत द्वीप भगवान के पास और फिर भगवान से हाथ जोड़ के पूछते हैं कि ठाकुर जी आज मेरे लोक में अमरावती में एक आदमी आया पता नहीं वो कौन है उसको देख के पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि वो ही राजा बने उसको बनना चाहिए उसको मान देने का दिल करता है उस पर प्यार आ रहा है उसको रेस्पेक्ट करने का दिल करता है कौन है वो सबको सब सब देवता उठ गए थे तो क्या है इस आदमी ने क्या किया है ऐसा तो पुण्य फिर ठाकुर जी ने बोला कुछ नहीं वो रोज़ साधारण मनुष्य है लेकिन रोज अठारह एटीनथ चैप्टर ऑफ गीता में से रोज पांच श्लोक केवल पांच श्लोक का पारायण करता था मरते दम तक इसीलिए उसे अभी इंद्रलोक मिला है वो इंद्र का जो है वो अमरावती का राजा बन गया इतना वो क्या बोलते तेजस्वी हो गया है उसे देखने से ही मान देने का दिल करता है फिर इंद्र जो है अरे तो भगवद गीता के पांच श्लोक इतने पावरफुल है फिर इंद्र जो है ब्राह्मण का वेश लेके भूमंडल में आते हैं और नदी के किनारे बैठ के रोज जो है भगवत गीता के अठारहवें अध्याय के पांच श्लोक का पारायण करते हैं तो इस तरह से कभी कभी जो विशेष इंटरेस्ट नहीं दिखाता है गीता को जानने में समझने जैसे डिफरेंट डिफरेंट डिफरें लेवल है पहले तो कोई छूना ही नहीं चाहता भगवदगीता नहीं हम क्या करेंगे कुछ लोग बोलते नहीं नहीं भगवत गीता घर में रखने से कुरुक्षेत्र युद्ध हमारे घर में हो जाएगा तो अलग अलग लेवल है तो जो जिस लेवल पर है तो जो बिल्कुल मतलब नहीं समझता उनको हम बता सकते कि भाई अगर आप भगवत गीता अपने घर में रखोगे तो सब शुभ होगा आपके सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर रहेगी जो थोड़ा बहुत हाँ ठीक है क्या पुण्य मिलेगा क्या करने से तो फिर थोड़ा सा उनको पद्म की अलग अलग कथाएं बनाइए बताइए कि अरे चार श्लोक पढ़िए दो श्लोक पढ़िए एक श्लोक पढ़िए बे, बेशक अर्थ ना समझते हो कम से कम पारायण करो फिर थोड़ा सा कोई और रिसेप्टिव है थोड़ा एजुकेटिव है एजुकेटेड है उसको बोलो नहीं नहीं आप थोड़ा सा मीनिंग के साथ में पढ़ेंगे तो आपको जो है विशेष लाभ होगा तो उस तरह से जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि अगर कोई पूरा मतलब कोई थोड़ा अच्छा है तो उसे किताब दो जो नॉनसेंस है उसको प्रसाद दो यही प्रऊपा जी टू थिंग्स बोलते थे If somebody इज़ गुड गिव बुक इफ somebody इज़ नॉन सेंस गिव प्रसाद ये दो ही चीज़ हम कर सकते हैं तो कभी कभी अगर वो बिल्कुल अडामेंट है कि नहीं बाबा हमें नहीं चाहिए हम बिल्कुल नहीं आता पढ़ना हम क्या करेंगे कोई बात नहीं कम से कम जैसे प्रोपा एक जगह मैंने सुना था प्रूपा जी को किसी शिष्य ने पूछा था कि प्रभुपाद नहीं लेना चाहते तो बिल्कुल क्या किया जाए तो प्रभुपाद ने बोला कि कम से कम उनको बोलो कि कैन यू होल्ड दिस बुक एक बार अपने हाथ में पकड़िए ना देखिए ना एक बार तो वो देखेंगे ना किताब को पकड़ के देखेंगे बुक को फिर ऐसा टर्न करेंगे पेज ये कृष्ण बुक के संदर्भ में ये आ, पास टाइम है प्रभुपात का तो प्रोपात ने बोला कि फिर जब वो लोग टर्न करेंगे ना देवादि देव श्री कृष्ण भगवान की किताब फिर वहाँ पर कृष्ण की छवि देखेंगे फिर बुक बंद करेंगे नहीं हमें नहीं चाहिए ले लो प्रभुप बोला बस तुम्हारा काम हो गया तो शिष्य ने बोला काम हो गया मतलब बोला बस

कोई ना कोई जीवन में वो भगवत धाम चला जाएगा क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कोई एक बार कृष्ण का नाम बोले एक ही बार केवल एक बार वो पक्का भगवत धाम जाएगा बस हो सकता है अभी का अभी ना जाए ये तो ऐसी बात होगी ना जैसे कि अगर आप ट्रेन का टिकट खरीद लिए हो पक्का आप जाओगे अब इस बार जाओगे नेक्स्ट टाइम जाओगे कब जाओगे लेकिन टिकट आपके हाथ में है अब सिर्फ टिकट को जो है आपको क्या बोलते हैं वो टी से चेक करवा के ट्रेन में बैठना है बस उतना ही है तो एक बार अगर वो नहीं भी लेते ना फिर भी कोशिश मत छोड़ो आनंद रखो मन में कि अरे मैं आज इस इस गांव में इस आदमी के घर गए हम उसने किताब नहीं ली लेकिन उसने भगवत गीता को छुआ उसने बोला कि अच्छा ये क्या है इस किताब में क्या है बस उतना भी हमने काम कर दिया भगवत गीता के पवित्र 700 सौ श्लोक की जो किताब है उन्होंने छुआ उसको हो सके तो क्योंकि अगर हिंदू माइंडेड है थोड़ा सात्विक माइंड है तो उनको बोलो थोड़ा सा सिर पे लगा लो बस वो सिर पे लगाए वो भगवदगीता को हरे कृष्ण महामंत्र एक बार बोल दिया प्रसाद दो और चले जाओ लेते हैं किताब ठीक है नहीं लेते हैं तो भी यू हैव बिगिन देयर स्पिरिचुअल लाइफ आपके वजह से उनका आध्यात्मिक जीवन आरंभ हो गया तो इसकी खुशी हमें होनी चाहिए कि यस यस नाउ इट्स बिगिन अभी कभी ना कभी जो है उनको टिकट दे दिया आपने फाड़ के अब कभी भी वो जो है पक्का जाएंगे बैक होम बैक टू गॉड दो क्वेश्चन थे। एक आपने कहा कि गीता पढ़ने में रुचि कैसे आए रुचि <स्थाथ> रुचि लाने के लिए क्या है थोड़ा सा ट्रेलर देखना पड़ता है जैसे अब कोई भी पिक्चर अगर आप पिक्चर लग देखनी हो तो सबसे पहले ना लोगों को ट्रेलर दिखाया जाता है तो ट्रेलर देखते हैं, फिर उसमें एकदम लगता है सस्पेंस सडनली हीरो आया फिर एक मर्डर हो गया फिर पर्दा खुला एक कटा हुआ एप्पल दिखा वहाँ चाकू में से दो खून के अब लगता है क्या है इसमें मिस्ट्री फिर आपको पूरा पूरा देखना है तो उसी तरह से भगवत गीता शायद एकदम आप अपने आप से खोलोगे तो शायद आपको समझ में ना आए या आप उसमें रुचि ना आए इसीलिए पहले जो है भगवत गीता के कुछ सेशंस आप सुन लीजिए आई मीन मैं प्रैक्टिकल टिप देने की कोशिश कर रही हूँ कुछ सेशन आप भगवदगीता के बारे में सुनिए किसी भक्त से यूट्यूब में बड़े बहुत सारे लेक्चर्स है या आप जिस मंदिर से कनेक्टेड हो वहाँ भी जो भगवदगीता के सेशन्स हो रहे हो कुछ पहले सुनिए भगवदगीता के बारे में फिर आपकी जो है उस पर इंटरेस्ट जागेगी और भी जानने की कि अच्छा ऐसा है ऐसा है तो आगे क्या है आगे क्या जैसे कभी कभी ना बच्चे लोगों का आप बोलो कोई स्टोरी पढ़ो किताब पढ़ो पढ़ना नहीं चाहते तो मेरी ये ट्रिक है कि आधी स्टोरी उनके साथ पढ़ लो और फिर आधे के बाद बोलो अब मेरे को नहीं पढ़ना है लेकिन अब वो पक्का पढ़ेंगे क्योंकि आधा आपने बता दिया अब आधा उसके बाद क्या हुआ था जानना है सस्पेंस वो रोक नहीं पाते फिर अपने आप दूसरा पार्ट जो है वो पढ़ लेते हैं तो बस ऐसा ही है हमें भी अपने आप को जो अगर हमारी में रुचि जगानी है तो हम ये कर सकते हैं सुनिए कथा डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस गीता के बारे में आप uh, सुनिए तो फिर आ, और भी जानने का आपको uh, दिल करेगा सी इट इज ऑल्सो इंटरकनेक्टेड दिस इज दिस इज अग क्लास इन इट्सल्फ कि एक्चुअली इंटरेस्ट क्यों नहीं जाता क्योंकि प्योरिफिकेशन नहीं है मन में पवित्रता नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि बहुत सारे मेटलिस्टिक कामों में हम व्यस्त हैं तो ये पूरा एक विशेष साइकिल है कि मन पवित्र नहीं है क्योंकि मन बहुत सारे कामों में जैसे आपने कहा बॉम्बे में इतने सारे काम है पहले काम करे कि गीता पढ़े तो हाँ तो यही बात है जैसे कि पहले काम करे कि गीता पढ़े नहीं पहले आप गीता पढ़ेंगे तो तभी आप एफिशिएंट हो जाएंगे तो फिर आपको और समय मिलेगा गीता पढ़ने के लिए एक पूरा सर्कल है अगर आप बोलोगे नहीं जब मैं एकदम फ्री हो जाऊँगा ना रिटायर एकदम सी साइड फ्लैट बालकनी में बैठ के गरम-गरम इसकॉन के है ना हम हर्बल कॉफ़ी पीता हुआ आराम से जो मैं गीता पढ़ूंगा तो कभी नहीं आएगा वो जीवन हमेशा जीवन ऐसे ही रहने वाला है तो हमें तो समय को निकालना ही पड़ेगा सी द पॉइंट इज़ जब आप गीता पढ़ोगे देन आपका माइंड जो है इतना शार्प हो जाएगा कि जो काम पहले आपको 20 मिनट लगती थी ना अब वो सेम काम 10 मिनट में हो जाएगा तो अपने आप से जो है आपको गीता पढ़ने का और भी समय मिलेगा तो इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड समवेयर यू हैव टू स्टार्ट सबसे पहले एक बार आपको जो है कोशिश करनी है मतलब चलना है थोड़ा सा कष्ट करना है अपने आप को स्ट्रेच करना है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है और उसके बाद में इट विल बिकम इजी बट बिगिनिंग लिटिल पुश और उस पुष्प के लिए क्या करना है भक्तों का संग करिए जो ऑलरेडी कर रहे हैं इस प्रोसेस को उनसे इंस्पिरेशन लीजिए उनके साथ रहिए उनके साथ प्रेरणा लेने की कोशिश करिए और पक्का धीरे धीरे शुरू में अच्छा लगे ना लगे जैसे हम मेडिसिन लेते हैं हमें मेडिसिन अच्छा नहीं लगता फिर भी हम लेते हैं जैसे प्रभुपा जी कहते हैं ना जिसको जॉन्डिस होता है उसे शुगर केन का जूस कड़वा लगता है लेकिन शुगर केन का जूस तो मीठा होता है लेकिन मीठा है वो समझने के लिए यू हैव टू बी हेल्दी पर हेल्दी कैसे होंगे अगर आप मेडिसिन लेंगे शुगर केन का जूस लेंगे तभी तो हेल्दी होंगे तो ये ये पूरा इंटरकनेक्टेड है तो सबसे पहले तो अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आओ अपने आप को थोड़ा सा और खींचो स्ट्रेच करो गीता को अपने लाइफ में कैसे भी करके घुसाओ आधा घंटा एक घंटा थोड़ा वो जितना भी आप कर सकते हो धीरे धीरे अगर नहीं होता तो शुरू में पाँच मिनट से शुरू करो दस मिनट अच्छा लगे नहीं लगे फोर्सली पढ़ पढ़ते रहो पंद्रह मिनट बीस मिनट एक घंटा धीरे धीरे कंडीशन हो जाएगा कोई भी चीज़ ऐसे ही अच्छी नहीं लगती है जिस तरह से हम छोटे बच्चों को आप देखिए जब छः महीने का सात महीने का सेरेलैक खाता है वो वो फूड खाते हैं उसके बाद अगर आप रोटी दाल भात खिलाते हो तो उनको अच्छा नहीं लगता है सबसे पहले बच्चे दूध पीते हैं दूध से आप सेरेक में लाओगे तो खाना नहीं चाहते फिर सेरेलेक्स से दाल भात बिल्कुल खाना नहीं चाहते लेकिन अब जब वो बच्चे बड़े हो गए हैं अगर आप अब बोलो सेरेलेक खाओ बोलेंगे नहीं नहीं अब हमें दाल रोटी खानी है तो शुरू में टाइम लगा ना लेकिन मदर कितना पेशेंस रखती है वो खाता है मुँह से निकाल देता है नहीं खाऊंगा रोता है उसके पीछे पीछे भागती है ये दिखाती है कौवा दिखाती है ये दिखाती है खिलाती है ना उसी तरह से हमारा मन ना अभी यहाँ वहाँ भागेगा मेरे को नहीं पढ़ना है गीता मुझे नहीं समझ में आती नहीं समझ में आती तो कैसे पढ़ू ऐसा मन हमारे साथ फाइट करेगा नहीं मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ूँ नींद आ जा रही है तो अब छोट माँ की तरह उसे पहले जो है नहीं आए नहीं आए चलो पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं धीरे धीरे टेस्ट डेवलप होगा उसी अगर हमारे दिल में ये तीव्र भावना है ना कि हम गीता समझना चाहते हैं तो वो दधा में बुद्धि योगम भगवान बुद्धि देंगे वो श्रीरंगम की प्रसिद्ध कहानी नहीं है कि महाप्रभु जब श्रीरंगम गए थे तो श्रीरंगम मंदिर के आंगन में एक ब्राह्मण जो इलिटरेट था अनपढ़ था वो गीता को हाथ में लेके रो रहा था और सब बोलते कि अरे ये अनपढ़ है इसको समझ में नहीं आता फिर भी रोज़ गीता लेके बैठ जाता है फिर महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो बोलते मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जो गीता का जो पिक्चर है फ्रंट पेज में जहाँ पे कृष्ण जो है अर्जुन के ड्राइवर बने हैं मुझे ये पिक्चर देख के रोना आता है कि जो भगवान देवादि देव है अखिल ब्रह्मांड के नायक वे अपने भक्त के लिए एक ड्राइवर बन गए बस इतनी छोटी सी बात और इतने दयालु कोई कैसे हो सकता है सी आजकल जैसा ड्राइवर भी नहीं है रथ का ड्राइवर मतलब बहुत बड़ी बात है आजकल के ड्राइवर तो आराम से वो भी आपके साथ में एसी ऑन करके वो सामने बैठे हैं आप पीछे बैठे हैं आप आराम से जा रहे हो लेकिन उन दिनों में ड्राइवर मतलब ऐसा नहीं है जब युद्ध की भूमि में भगवान कृष्ण वो घोड़ों को लेके जा रहे हैं तब अर्जुन अपने पैरों से भगवान को जो है पीछे से लात मारता है सॉरी मैं ये बता रही हूँ लेकिन कोई चॉइस नहीं है क्योंकि वो उसके हाथ में धनुष बाण है अब वो अब वो भगवान को बोलता रहेगा कि अपने धनुष पे कंसंट्रेट करेगा कि अभी राइट लो अभी लेफ्ट लो तो पैरों से जो भगवान की कमर पे छुएगा मतलब अगर इस साइड छुएगा मतलब राइट लो उस साइड छुएगा मतलब लेफ्ट लो तो वो पोजीशन में जो है भगवान अपने भक्त के लिए बैठे हुए हैं कि हाँ तुम अपने पैर से जो मुझे बताओ मैं तुम्हें ले जाता हूँ तुम कहाँ जाना चाहते हो तो बोलता है कि ये छवि देख के मैं रो रहा हूँ कि इतना कैसे भगवान दयालु हो सकते इतना प्यार करते हैं भगवान अपने भक्त से तो उसको समझ में नहीं आ रही थी लेकिन ये पिक्चर भी उसे इंस्पायर कर गई तो कभी कभी हमें पता नहीं कौन सी क्या बात हमारी दिल को छू जाएगी हमें समझ में आने लगेगी अगर भगवान की कृपा होगी हम पे तो कोशिश तो करो जैसे मुझे याद है मैथ्स डिफ़िकल्ट है Uh, मेरे बेटे के लिए तो डिफ़िकल्ट है तो मैं कभी ये नहीं बोलती हूँ कि अच्छा डिफ़िकल्ट है अच्छा छोड़ दे हाँ फिर पढ़ाई छोड़ दे नहीं ऐसे नहीं हाँ डिफ़िकल्ट है तो थोड़ा सा और उस पर प्रेशर देना और तो थोड़े सम्स करो और प्रैक्टिस करो तब जाके इजी हो जाएगा तो सेम थिंग है अगर हम कहेंगे भगवदगीता मुझे समझ में नहीं आती डिफ़िकल्ट है तो छोड़ दो क्या नहीं पढ़ूंगी नहीं डिफ़िकल्ट है तो और मेहनत करो नहीं समझ में आ रहा है तो और कोशिश करो नहीं इंटरेस्ट आ रहा है तो और उस पर ध्यान दो पढ़ने की कोशिश करो ये तो कोई मटेरियल नॉलेज नहीं है कि आपको थोड़ा दिन के बाद बोर हो जाओगे इसमें तो समझ में आए नहीं आए इसके एक एक शब्द आपके जीवन को पवित्र करता हुआ चला जाएगा तो इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं आपको अच्छा लगे नहीं लगे उसको कंटिन्यूसली करते रहो थैंक यू सॉरी फॉर द लॉन्ग आंसर लास्ट एक लास्ट प्रश्न लेंगे गीता को हम डेली याद कैसे रखें भगवत गीता के 700 हंड्रेड श्लोक है उसमें जो जो श्लोक आप आप मेमराइज करना चाहते हो उसको आप अपने सेल वॉल में रख सकते हो आप एक नियम बना सकते हो एक्चुअली अभी तो बहुत सारी सुंदर सुंदर छोटी छोटी किताबें आई है वो गीता रत्नमाला वगैरह उसमें हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट श्लोक दिए हुए हैं गीता के तो अब तो एक्चुअली लाइफ बहुत सिंपल हो गई है ऐसा नहीं कि आपको उस अठारह चैप्टर में से मार्क करना पड़ेगा बैठ बैठ के कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन पढ़ के कुछ भी नहीं सब कुछ अभी एकदम रेडी आपको जो ना इंस्टेंट मैगी जैसे सब कुछ दे दिया है है। जैसे विदेश में होता है ना सब्जी बनी बनाई होती है सिर्फ उसको निकालो माइक्रोवेव में डालो गरम करो और खा लो ऐसे भारत में जैसे पहले ना लेडीज मसाला वगैरह बनाती थी गरम मसाला तो इसको पहले गरम करो इसको फ्राई करो फिर मिक्सी में आप कुछ नहीं अभी एकदम एम का सांभर मसाला आ जाता है डायरेक्टली आप डाल दो बस यही है अब तो इतना कुछ अवेलेबल है इस्कॉन में आप सिर्फ नेट में चले जाओ हंड्रेड एंड एट इंपॉटेंट स्लोकाज गीता या छोटी छोटी गीता रत्नमाला की किताबें भी हैं आप अपने बेड साइड पर रख सकते हो एक नियम बना सकते हो रोज रात को सोने से पहले एक श्लोक को बाय हार्ट करो या उसको मन में मतलब उसको कंटिन्यूसली रिसाइड करते 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 सो जाओ या तो अपने किचन के वॉल में क्रेन से या चौक से लिख दिया तो खाना बनाते बनाते उस श्लोक को आप घड़ी 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 बोलते रहोगे तो आज के लिए वो श्लोक बाय हार्ट हो गया या अपने सेल में या अपने लैपटॉप के उसमें या आप हाउस वाइफ है तो किचन में बहुत सारी जगहों में या जहाँ जहाँ आप काम करते हो अगर आप जॉब करते हो तो अपने सिस्टम पे अपने डेस्क पे तो ऐसा एक आप नियम बना सकते हो रोज एक स्लोक नहीं कर सकते तो कम से कम वीकली टू स्लोक्स या वीकली थ्री स्लोक्स आप जो है बाय हार्ट कर सकते हो एट द सेम टाइम मैं स्लोक बाय हार्ट करने पर इतना जोर नहीं दूंगी रीजन बींग इज हर एक पर्सन का एक अपना ही स्टिमुलस है जिससे वे भगवान से जुड़ते हैं कुछ लोगों के लिए भजन सुनने से वे भगवान से जुड़ते हैं अच्छा लगता है जब कुछ भजन सुनते हैं अपनी भाषा में कोई भी वैष्णव भजन बंगाली ऊरिया हिंदी गुजराती जो भी उससे वे भगवान से जुड़ पाते हैं और उन्हें भगवान की याद आती है सतत कुछ लोगों को श्लोक मेमोराइज करने में बहुत आनंद आता है कुछ भी एक अच्छा नया श्लोक सीखा तो बस आनंद पूरा दिन उसे गुनगुनाएंगे कुछ भक्तों को ना कथा सुननी बहुत अच्छी लगती है कुछ भी एक कथा जैसे आज कोई कथा सुन ली तो पूरा दिन वो ऐसे बोल रहे थे प्रभु जी ऐसे बता रहे थे ये कहानी तो उनको अच्छा लगता है कुछ भक्तों को सेवा करने में बहुत आनंद आता है बस भगवान के लिए माला बनाया तो आपका स्टिमुलस क्या है दूसरों को कॉपी मत करो क्योंकि उसका क्या स्टिमुलस है शायद वो आपका स्टिमुलस नहीं है शायद उसको स्लोक मेमोराइज करने में अच्छा लगता है लेकिन शायद आपको स्लोक मेमोराइज करने से टेंशन हो जाता है हेड हो जाता है कि नहीं हो रहा है मुझसे फिर आप डिसअपॉइंट हो जाते हो फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हो अरे ये भक्त कितना सुंदर श्लोक इसको तो एकदम डक 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 सरस्वती माता एकदम क्लास देते हैं तो एक एक लाइन पर एक श्लोक बोल देते हैं लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं आता नहीं ऐसा नहीं है अपना अलग अलग द होल पॉइंट इज ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर प्रोगेट कृष्णा ये इंपॉर्टेंट है हाउ यू आर रिमेंबरिंग कृष्णा इज नॉट इंपॉर्टेंट नवविधा भक्ति इसलिए दी हुई है क्योंकि सबकी बुद्धि मेमोरी समान नहीं है ना जैसे मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे माताजी लोग हैं जो मुझे एक्सप्रेस करते हैं कि माताजी मेमोराइज नहीं होता बस लोग मेमोराइज नहीं होता माताजी और कुछ बोलो बताओ तो ऐसे कोई इतना फील करने की जरूरत नहीं हो पाता है आप यंग है कर पा रहे हो तो करो नहीं कर पाते हो तो कथा सुनो कथा को बार बार मनन करो अच्छा बली महाराज की कथा अम्बरीश महाराज की कथा सुदामा की कथा अलग अलग किसी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है एकदम पढ़ना मतलब दि लव टू रीड रीड तो बैठ के भागवतम चेतन छता मत पढ़ते रहो दैट इस इंस्पायरिंग यू व्हाट इज़ इंस्पायरिंग यू इन टू बी इन टच विद कृष्णा इट्स कस्टमाइज फॉर यू वी डोंट हैव टू कॉपी एनी बड़ी नवसंबड़ी बिल से लेकिन मुझे पता ही नहीं माता मतलब जी मुझे क्या चीज़ इंस्पायर करती है तो फिर आप सब कुछ कर लो थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ देख लो क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है क्या जम रहा है आपका बस हम पता ही नहीं क्योंकि मैंने कभी कुछ किया नहीं मुझे पता ही नहीं मुझे कौन सा नवविधा भक्ति में अच्छा लगता है तो सारे करके देखो देखो किस में ज़्यादा आनंद आ रहा है किस में आप जुड़ पा रहे हो ज़्यादा नहीं भूल रहे हो भगवान को आपका भगवान के साथ युंजम योग युंजम आपका भगवान के साथ जो योग है जो कनेक्शन है वो ज़्यादा बना रह रहा है बस उसको करो हमारे पास कितनी सारी गीता भी तो एकदम बुक ऑफ चॉइज़ है कितना कुछ भगवान ने बोला है अब देखो भक्ति योग बारहवा अध्याय बोलते हैं कि Uh, मेरा अपना मन दो मन नहीं दे पाते तो जो आपने काम किया उसका फल दो नहीं कर पाते तो मेरे लिए कर्म करो कितने सारे ऑप्शन कौन से लेवल में तुम हो वो करो पूरा पूरा अपना फुल टाइम डिवोटी बन सकते हो बनो नहीं मैं फुल टाइम नहीं बन सकती ठीक है पार्ट टाइम बनो ठीक है तुम जो जॉब कर रहे हो उसमें सैलरी आ रहा है ना उसमें से आधा भगवान को दे दो उतना कर सकते हो नहीं मैं उतना भी नहीं कर सकता मैं ठीक है तो अपना मन को दो नहीं मैं ये भी नहीं कर सकता हर एक को ऑप्शन दिया हुआ है तुम क्या कर सकते हो उतना करो सो कृष्ण इज सो काइंड सो नथिंग टू आप जितना जो जहां कर सकते ओनली थिंग इज यू आर योर ओन कॉम्पिटिटर अगर आपको समझ में आ गया कि हां मुझे ये करने से भगवान से ज्यादा जुड़ रही हूं किसी और का कॉपी मत करो उसका अपना अलग है आपका अलग है आपका एग्जाम अलग है अब आपको लगा कि हाँ इससे मैं भगवान से जुड़ रही हूं अब इसका प्रोपोर्शन बढ़ाते चले जाओ आज मैंने वन आवर भगवान के साथ जुड़ी हूं कल थोड़ा और फिर मैं अपने आप से कॉम्पिटिशन इस महीना में मैं इतना जुड़ी थी नेक्स्ट मंथ में और थोड़ा आगे जाने की कोशिश करूँगी दैट्स अबाउट इट ऐसे करते करते हम ट्वेंटी से थर्टी से फिफ्टी से एक दिन हंड्रेड परसेंट हम टच कर पाएंगे सो दैट्स अबाउट इट वॉट यू आर कम्फर्टेबल से एट द सेम टाइम मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रही हूँ टू मेक यू लेजी कि माता जी आपने ही बोला ना बस कम्फर्टेबल रहो नहीं किस चीज से कंफर्टेबल हो लेकिन इस कंफर्ट जोन में भी अपने आप को थोड़ा सा टच करते हुए चले जाओ कल 20 मिनट कथा सुनी थी आज 30 मिनट सुन लो बस थोड़ा थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और 100 परसेंट अचीव करने की कोशिश करो रियली అవునా మళ్ళీ అలాంటప్పుడు ఈ రోజు క్లాస్ తెలుగులోనే ఇస్తే బాగుండేది యు ఆర్ ఆల్సో తెలుగు ఓ రియలీ ఓకే ఆహా హరే కృష్ణ సో బర్హంపూర్లో బర్హంపూర్లో ఉన్న తెలుగు భక్తుల అందరికీ నా నమస్కారాలు నాకు తెలియ తెలియదు బర్హంపూర్లో తెలుగు భక్తులు కూడా ఉన్నారని అయితే ఈసారి నేను బర్హంపూర్ వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా మీ అందరితో మాట్లాడతాను కలుస్తాను అయ్యో నాకు ముందు చెప్పి ఉంటే లాస్ట్ టైం నేను బ్రహ్మంపూర్ వచ్చినప్పటికీ అసలు నాకు తెలియ తెలియదు ఈసారి నుంచి నాకు సాంబారు రసము పులిహార అన్నీ కావాలి నేను ఈసారి జగన్నాథ్ వెళ్ళినప్పటికీ స్పెషల్లీ పంచరత్ర ప్రభుకు చెప్తాను తెలుగు భక్తులు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలుగు వంటలు ఎక్కడ అడుగుతాను తప్పకుండా చాలా ఆనందం మీరందరూ అండ్ వీలైనప్పటికీ ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ తగ్గిపోతే తప్పకుండా మీరందరూ కూడా విశాఖపట్నం టెంపుల్కి రండి మనం చాలా దగ్గరగా ఉన్నాం నేబర్స్ అనమాట అంత దూరం ఏం లేదు అదే ఆ మథురా నుంచి వృందావనం ఎంత ఉంది అంతే ఉంది ఎప్పుడైనా రావచ్చు తప్పకుండా రండి పూరి అండ్ వైజాగ్ మధ్యలో సో మేము కూడా జగన్నాథ్ని దర్శనం చేయాలంటే మీ అందరిని దాటి మీ ఒక బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకునే వెళ్ళాలి జగన్నాథ్జీ దగ్గర సో తప్పకుండా వైజాగ్ రండి శ్రీల ప్రోపాదకి జై हरे कृष्णा हरि बोल ऑल द डिवोटीज वांचा कल्पतरु भयस्य कृपा सिंधु वेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रभुपाद की जाय सब